हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीओके प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो बात करते हैं जहां पे पहले ओडीआई मैच में मिली हार के बाद श्रीलंका ने जबरदस्त कमबैक करते हुए दूसरे ओडीआई मैच में बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा दिया और सीरीज में 1-1 की बराबरी भी कर ली। अब यहां पे जो कि 18 मार्च को दोनों टीम्स के बीच में तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा। यह मैच आपको जौहर चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम में खेला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए, हमारी स्क्रीन पे वीरू भाई का नंबर दिया हुआ, उनका काम काफी जबरदस्त चल रहा है, उनसे आप जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। और डिस्क्रिप्शन में उनका व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 47% रहेगा और टेम्परेचर 30°C रहेगा। अब बात करते हैं विनिंग परसेंट देखते हैं, जहां पे बैटिंग फास्ट का यहां पे 37% जीतने का चांस है, तो वही बॉलिंग फास्ट का यहां पे 57% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर देखते हैं, जहां पे फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 217 है, तो वहीं पे सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 185 है। अब अगर बात करते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं ओवरऑल, जहां पे टोटल मैच 56 खेले गए, जिसमें से बांग्लादेश 11 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पे श्रीलंका 43 मैच जीत के आ रही है, जिसमें से 2 मैच कैंसिल भी हुआ है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी श्रीलंका का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे श्रीलंका ने बैटिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए बिग टारगेट को चेस किया था। वहीं पर कुशल मंडी जो टीम के कैप्टन है, ओपनिंग में बात करते हैं जहां पे अब इसका फर्नांडो और प्रथम निशांका जो कि अच्छा स्टार्ट भी दे रहे हैं। निशांका इस वक्त बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, इस साल वो एक दोहरे शतक के साथ 3 शतक बना चुके हैं, लास्ट गेम में उन्होंने 114 रन बनाए थे। नंबर 3 पे हम बात करेंगे जो कि कुशल मेंडिस है, जो कि जल्दी आउट हो चुके थे। मिडिल ऑर्डर में जहां पे सदीरा सावर, विकम्मा और चैत अश्लंका खेल रहे हैं, अश्लंका ने लास्ट गेम में 91 रन बनाए थे। वहीं लोअर ऑर्डर में जहां पे यंग बैटर जैनीत और अश्लंका खेल रहे हैं। बॉलिंग में बात करो तो जहां पे एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, जहां पे दिलशान मधुसंगा जो कि चोट के चलते अब लास्ट गेम से बाहर हो गए, वहीं पे धोनी जो कि अच्छे फॉर्म की जरूरत होगी, जहां पे प्रमोद मधुसंगा जो टाइम पे टीम को विकेट भी दिला सकते हैं, वहीं पे वनिधु हसंगा जो कि लास्ट गेम में 4 विकेट लिए थे, जहां पे लहिरू कुमार जो विकेट लेस थे उनको लैंडलाइन से चांस करना होगा। अब बात करते हैं श्रीलंका का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे कुशल मेंडिस है, प्रथम निशंका, अभिषेका फर्नांडो है, सदीरा सावर, विकम्मा है, चैत अश्लंका, जनीत है, प्रमोद मधुसंगा, महेश थिक्सना है, दुनित वेलगे, लहिरू कुमार, वनिधु हसरंगा। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जहां पे प्रथम निशंका है, चैत अश्लंका, वनिधु हसरंगा। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी बांग्लादेश का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे पहले मैच में मिली जीत के बाद सेकेंड ओडीआई में टीम हार गई। टीम के कैप्टन की बात करें जो कि नजमुल हुसैन शांतनु है, वहीं ओपनिंग में हमको लिटन दास एंड सौम्या सरकार की जोड़ी देखने को मिल रही है, जहां पे सौम्या ने लास्ट गेम में 68 रन बनाए थे। नंबर 3 पे बात करेंगे जो कि कप्तान शांतनु की 2 मैच में 162 रन बना के टॉप पे स्कोरर है। वहीं मिडिल ऑर्डर में जहां पे तौहीद, रिडोई एंड ममदुल्ला टीम को स्टेबिलिटी देते हैं। तौहीद ने लास्ट गेम में 96 रन की इनिंग खेली थी, जहां पे एक्सपीरियंस प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान जो टीम के विकेट कीपर है। वहीं ऑलराउंडर में जहां पे मेहदी हसन मिराज है। अगर बॉलिंग की बात करते टीम टारगेट सेव नहीं कर पाई, सोरफुल इस्लाम जो कि अच्छे लाइन से बॉलिंग डालने पड़ेंगे, उन्होंने लास्ट गेम में 2 विकेट ही लिए थे। जहां पे तक्षिणा में जो टीम के सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है, उन्होंने अब तक 5 विकेट लिए हैं, जहां पे ताजुल इस्लाम एंड तंजीन हसन जो 1-1 विकेट लिए थे। अब बात करते हैं बांग्लादेश का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहां पे लिटन दास है, शांतनु जो कि कप्तान है, सौम्या सरकार है, तौहीद हिड्रोई है, अब्दुल्ला है, मुस्तफिकुर रहमान है, मेहदी हसन है, तकसीन अहमद है, ताइजुल इस्लाम है, सोरफुल इस्लाम है, तंजीन हसन है। अगर कुछ की प्लेयर की बात की जाए, जहां पे नजमुल शांतनु है, मुस्तफिजुर रहमान है, तकसीन अहमद है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंक्लूजन एंड प्रिडिक्शन की ओर। तो श्रीलंका की टीम पहले मैच में जहां पे झटका लगा था, लेकिन अगले मैच में श्रीलंका ने जीत कर बराबरी की। अब क्योंकि बांग्लादेश के पास स्ट्रांग बॉलिंग अटैक है, यह एक क्लोज मैच हो सकता है। यहां पे होम एडवांटेज के चलते यह मैच बांग्लादेश जीतकर सीरीज भी जीत सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।